राजधानी दिल्ली का अलीपुर इलाका बुधवार शाम को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अज्ञात हमलावरों ने खेतों में अपनी गाय का दूध निकालते समय एक युवक की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। मृतक की पहचान अलीपुर निवासी कुणाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक को कई राउंड गोलियां लगी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक कुणाल अलीपुर इलाके का ही घोषित अपराधी है। उस पर कई आपराधिक केस दर्ज है। बुधवार शाम को कुणाल अपने खेतों में अपनी गाय का दूध निकालने गया हुआ था, तभी अज्ञात हमलावरों ने खेतों में घुसकर कुणाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें कई गोलियां कुणाल को लगी और वो मौके पर ही ढेर हो गया। घटना के समय कुणाल की मां भी खेतों में मौजूद थी। वहीं हमलावरों की गोली कुणाल की गाय को भी लगी है। कुणाल के परिवार से मिली जानकारी के अनुसार कुणाल की हत्या के पीछे गोगी गैंग का हाथ हो सकता है। वहीं शुरुआती जानकारी के अनुसार हमलावर तीन बताए जा रहे थे, जिसमें से एक हमलावर बाहर था, जबकि दो अज्ञात बदमाशों ने कुणाल को अकेला देखकर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें कुणाल को कई गोलियां लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिले के DCP से गैंगवार में हत्या के बारे में पूछने पर जांच का विषय बताया। बहरहाल अलीपुर थाना पुलिस रास्ते के सभी CCTV खंगालने में जुटी है, ताकि हमलावरों के कोई सुराग मिल सके। वहीं मृतक कुणाल के ऊपर भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन पिछले कई सालों से कुणाल शांत था और किसी भी वारदात में वह शामिल नहीं मिल रहा था। लेकिन आज अचानक से कुणाल के ऊपर यह हमला हुआ, जिसमें उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद से आसपास के लोग हैरान और डरे सहमे हुए हैं और मृतक का परिवार पुलिस से जल्द हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। दूध निकालने आते हैं सुबह शाम जी, मैं तो आता नहीं, मैं तो मंदिर में ताश खेल गए थे, टाइम पास करके आते सुबह शाम जी। मैं चाय बगीचा आएगी, मैं चाय पीते इतने फोन डाल दिया यहाँ से लड़की के पास, लड़की वाले पापा गोली मारी, भाई के चूके गए, कुणाल नाम है उसका, वैसे चूके गए प्यार के नाम से। बहरहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए शव गृह भिजवा दिया है और गहनता से मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लेकिन यह मामला गैंग वॉर के चलते अंजाम दिया गया या कोई और वजह रही है, यह तो जांच का विषय है। फिलहाल अलीपुर थाना पुलिस कई एंगल से इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साफ कर दिया कि देश की राजधानी में अब अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं, न पुलिस का कोई खौफ।